नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाय में आपका स्वागत है। रमजान के महीने के आखिरी दिन जब आसमान में चांद नजर आता है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। चांद दिखने की तारीख को चांद रात कहते हैं। सऊदी अरब में एक दिन पहले चांद दिखाई देता है, इसलिए वहां ईद भारत से एक दिन पहले होती है। हिंदू पंचांग की द्वितीया तिथि, जिसे दोज का चांद कहते हैं, वही चांद रात होती है। हर 3 साल में चांद 30वीं रात दिखाई देता है, इसलिए रोजे 30 दिन के होते हैं। चांद रात होते ही ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान का महीना 30 दिन का होता है। ऐसे में मुसलमान पूरे 30 दिन रोजा रखते हैं। हिजरी कैलेंडर के अनुसार ईद साल में 2 बार आती है। एक ईद होती है ईद उल फितर और दूसरी ईद उल जुहा। माना जाता है कि रमजान के महीने में ही शब कद्र को कुरान पाक नाजिल हुआ था। रमजान माह में 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब को शब कद्र कहा गया है। आखिरी 10 दिन इतकाफ होता है। ईद की नमाज से पहला फितर दान किया जाता है। जिनकी माली हालत अच्छी है उनको अपनी आमदनी में कुछ हिस्सा देना होता है। ईद की नमाज शहर काजी पढ़ते हैं। ईद की नमाज के बाद खुतबा होता है। किसी भी नमाज की तरह ईद में भी बावजूह और पाक साफ कपड़े पहनने चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।